बच्चों, अगले हफ्ते हमारी क्लास पिकनिक ले जाएगी। जो भी बच्चा पिकनिक पर जाना चाहता है कल 500 रुपए लेकर आना। सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, एंजॉय करने लगते, शोर मचाने लगते। अरे ये तो बड़ा मजा आएगा, मैं तो पिकनिक पे जरूर जाऊंगा। तू भी जाएगा ना? हाँ मैं भी जाऊंगा। उनमें एक सोनू भी था। सोनू भी बड़ा खुश था, उसे भी पिकनिक पे जाना था। जब छुट्टी होती है तो सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। सोनू को आज घर जाने की बहुत जल्दी थी। वो भागा भागा घर आता है और मम्मा कहाँ हो आप? अरे क्या हुआ सोनू, आप तो बड़ा खुश दिख रहा है, कोई खास बात है क्या? जी मम्मा, अगले हफ्ते हमारी क्लास पिकनिक के लिए जा रही है, अब मुझे भी जाना है, जल्दी से मुझे 500 रुपए दे दो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, पिकनिक पे तो सच बड़ा मजा आता है। अच्छा एक काम कर, तू अपनी गुल्लक ले गया, देखूं तो सही मेरे बेटे की गुल्लक में कितने रुपए हैं। क्या कह रहे हो मम्मा, गुल्लक में रुपए कहाँ से आए? अरे रोज मैं तुझे 5 रुपए नहीं देती। अरे मम्मा 5 रुपए में क्या होता है? 5 रुपए में आपने सोचा भी है कि आता ही क्या है? कभी चिप्स खा लेता हूँ, कभी चॉकलेट और कभी समोसा। इसका मतलब तुमने 5 रुपए में से 1 रुपए भी नहीं जोड़ा। मम्मी आप कभी कभी कैसी बातें करती हो, 5 रुपए में कोई कैसे ही जोड़ सकता है? आप भी ना। चल ठीक है, मैं तुझे 500 रुपए देती हूँ और पिकनिक पर बहुत एंजॉय करना। अब तो खुश? हाँ मम्मा, आप कितनी अच्छी हो, मेरी प्यारी सी मम्मा। मम्मी को सोनू का इस तरह पैसे की वैल्यू नहीं करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन आज सोनू बहुत खुश था। मम्मी सोनू का मूड नहीं खराब करना चाहती थी। मम्मी सोचती है कि किसी और दिन सोनू से बात करूंगी। अब एक दिन मम्मा किचन में कुछ काम कर रही होती है, सोनू आता है। मम्मा मम्मा बहुत तेज प्यास लग रही है, पानी दो ना। तू देख तो रहा है कि मैं आटा मल रही हूँ, एक काम का गिलास उठा और नल में से पानी ले ले। अरे मम्मा नल में तो बहुत कम पानी आ रहा है, एक एक बूंद टपक रहा है। एक मिनट, तू नल के नीचे एक गिलास तो रख और मेरे पास आ। सोनू नल के नीचे एक गिलास रख देता है और मम्मा के पास आता है। हाँ मम्मा। अरे सोनू तूने इस बार बताया ही नहीं कि तेरी पिकनिक कैसी रही, एंजॉय तो किया? क्या क्या किया वहाँ पर? अरे मम्मा पिकनिक पे बहुत मजा आया, हमने बहुत मस्ती की, बहुत सारे गेम खेले, उछले कूदे और इतनी अच्छी अच्छी टेस्टी चीजें भी खाई। सच मम्मा बहुत अच्छा लगा, काश आप भी हमारे साथ होती। चल कोई बात नहीं, तूने तो एंजॉय किया ना। हाँ मम्मा। अच्छा मम्मा पानी तो दो। अच्छा देख नल के नीचे ग्लास जो तूने रखा था वो एक मिनट इधर तोला। अरे मम्मा ये तो आधा भर गया। चल बाहर चलते हैं, तुम मेरे पास आओ ग्लास लेके। सोनू और मम्मा किचन से बाहर आ जाते हैं। आओ सोनू आज तुम मेरे पास बैठो, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी तू कह रहा था कि मम्मा नल में से बूंद बूंद पानी आ रहा है, और बूंद बूंद पानी से तो तेरी प्यास नहीं बुझ सकती थी ना, लेकिन बूंद बूंद से ही तेरा आधा ग्लास पानी का भर गया, और इस आधे ग्लास पानी से तो तेरी प्यास बुझ सकती है ना। ठीक है मम्मा, लेकिन आप कहना क्या चाहते हो, आप इतनी बातें क्यों कर रहे हो, आपको क्या कहना है सही से बताओ ना मम्मा। सोनू ठीक है, मैं तुझे सिर्फ 5 रुपए देती हूँ, अब 5 रुपए में वाकई आज कुछ ज्यादा नहीं आता, और तू इतना छोटा है, तेरा मन भी करता है कभी चॉकलेट खाने का, कभी चिप्स खाने का, जो तेरा हक भी है। मैं कभी तुझे किसी चीज के लिए मना भी नहीं करती, लेकिन इतना तो होना चाहिए ना कि किसी दिन तूने चिप्स खाया और किसी दिन तूने रुपए गुल्लक में जोड़े, या किसी दिन तूने 3 रुपए का खाया या 4 रुपए का खाया, और 1 रुपया या 2 रुपए तो तुझे गुल्लक में कभी तो डालने चाहिए ना। अगर तूने कभी भी 1, 2 या 3 रुपए गुल्लक में डाले होते तो क्या तेरी गुल्लक बिल्कुल ही खाली होती? हाँ मम्मा मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो, मुझे पता है कि आप मेरा कितना ध्यान रखती हो, कितनी मेहनत करती हो, मेरी हर इच्छा पूरी करती हो। अब मैं भी ध्यान रखूंगा मम्मा, जो आप मुझे रुपए देती हो उसमें से मैं कुछ रुपए जरूर बचाऊंगा और गुल्लक में इकट्ठे करूंगा, और फिर आपको दिखाऊंगा कि मैंने गुल्लक में कितने रुपए इकट्ठे किए। मेरा प्यारा बच्चा, मम्मी बहुत खुश होती है। मम्मी जो सोनू को सिखाना चाहती थी, जो समझाना चाहती थी, सोनू वो समझ चुका था।
इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बूंद बूंद बहुत कीमती होती है, चाहे वो बूंद पानी हो या थोड़ी थोड़ी हमारी सेविंग। एक दिन ये थोड़ी थोड़ी सेविंग ही हमारे बहुत काम आती है। जो आज हमें थोड़ा लगता है, हो सकता है कल वो हमारी जरूरत हो, हमारे बहुत काम आए। हमें छोटी छोटी सेविंग की वैल्यू समझनी चाहिए।